क्या तुम्हारी माँ ने कोई जबरदस्ती की है? जब भी खुलकर बात करो बेटा। नहीं अब्बू, ये मेरा अपना फैसला है। अगर यही फैसला करना था तो इतने दिन टेंशन क्यों ली? मुझे तो शक्ल भी नहीं देखनी महमूद भाई की। अली, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी बच्ची ने बिल्कुल सही फैसला किया। पता नहीं कितने दिनों के बाद सुकून से नींद आएगी मुझे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। लेकिन इस फैसले में जेबी की अपनी खुशी तो शामिल नहीं है। अरे है, क्या हो गया आपको? शुरू में जरा झिझक तो होगी, फिर बाद में महमूद इसे इतनी खुशियाँ देगा कि सब भूल जाएगी। मुझे पता है तुम मेरी वजह से जा रही हो। सलमा पागल तो नहीं हो गई है? बहन के हंसते बसते घर में चिंगारियाँ डाल रही है, वजह इसके कि उसको तसल्ली दो। फसादी बातें कर रही ऊपर से। मैं तो समझा था कि मेरी बहन बहुत मजबूत हो गई, तुम तो वो जरूर बकरी निकली, फिर हार गई। नहीं अली, जिंदगी में पहली दफा मैंने कोई फैसला खुद किया है और मैं अपनी मर्जी से वापस जा रही हूँ। ये कोई मामूली तब्दीली तो नहीं है। देखो घर कितना खाली खाली हो गया। मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि बीवी की कमी क्या होती है। जेबी प्लीज उदास ना होना। देखो मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, देखो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अभी भी तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन नहीं है? उसने आपको रोकने की कोशिश की। किसने? उस लड़की ने। क्या नाम था? समीना। वो क्यों रोकेगी भाई मुझे? भाई लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और मैंने सारी उम्र वहां थोड़ी नौकरी करनी है। भाई मुझे अपना फायदा भी तो देखना है। सोच ले, काफी अर्से के लिए बेरोजगार हो जाएंगे आप। मुझे अब अकल आ गई है, मैंने सोच लिया मैंने क्या करना है। मैं अपना कारोबार करूंगा। इंसान बादशाह होता है, अपनी मर्जी से उठो अपनी मर्जी से सो जाओ। वैसे तुम्हें उसका नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं मिली थी उससे। किससे? समीना से। और किससे? कहाँ मिली थी? आपके दफ्तर गई थी, मैं उसे देखना चाहती थी और मैं उसे मिलना चाहती थी कि वो है कौन। तो वो तुम हो जिसने बना बनाया खेल दुखा दिया। क्यों गई थी वहाँ? क्यों ना जाती? बीवी थी। मैं नहीं जा सकती। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे बाप का एहसान लिया, उनके आगे गिड़गिड़ाया, उनसे भीख मांगी कारोबार के लिए। तुमने मुझे ये सिला दिया उसका? क्यों ये सिला दिया? नहीं था इससे। क्यों आपने उनसे पैसे मांगे? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी तबाह करके आ गई थी। क्यों ले जाता उनके पास? किसे पैसे मांगता मैं? आप मुझे खरीद कर लाए, आपने सौदा किया, सौदेबाजी की है, पैसों के लिए लेके आए हैं आप मुझे। चुप करके बैठो इधर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बोलो अब, बोलो बोलो। तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं।